हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मेरी में, और स्वागत है। और आज का टॉपिक है अनुपात और सनुपात का, जो पिछला क्लास पढ़ा चुके हैं उसी का अगला भाग है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कितना दिया है? 7 दिया है। अपन मन से क्या करेंगे, x लगाएंगे। ठीक है, x x और x, इसको ये जोड़ देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? जोड़ 7 × 4 = 12। 12 x बराबर 180 हो गया। अब 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो इतना जोड़ के 180 डिग्री, x बराबर कितना होगा? 180 / 12, तो 12 × 12 कितना बता? 6। तो 7 × 12 = 60। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 15 आया। अब कहता है सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात। तो सबसे बड़ा कोण कौन है? कितना गया? सबसे बड़ा कोण 7x, अनुपात सबसे छोटा कोण 1x है। तो इसमें एक्स का मान क्या करेंगे? 15 यहाँ रख देंगे। एक्स के वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे 15 × 75 से। ठीक है, और 15 × 15। ठीक है, एक जब पर 15 रख दिए तो 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 7 × 3 = 10। 115 हो गया, इसको काटेंगे 15 × 15 = 75 से। तो 7 अनुपात कितना हो गया? 1 बचा, ये कट गया। 15 × 15 = 75, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। सबसे बड़ा कौन? 7, और सबसे छोटा कौन का अनुपात? 1 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, दो घनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। अंतर कितना दिया है? 160 है। दोनों उन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 5 अनुपात दे दिया है। तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्या के बीच का अंतर कितना दिया है? मान लीजिए संख्या 1 है और संख्या 2 है, दोनों का अंतर इतना है, दोनों का अनुपात दे दिया है 5x, एक्स लगा देना है और 3 तो एक्स लगा देंगे। ठीक है, और दोनों का अंतर कितना दे दिया है? 160 दिया है। तो अंतर निकालेंगे, 5 में से 3 गया 2, अब 1 से 1 लिख देंगे बराबर 160 लिखेंगे। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कट गया 2 × 8 = 16, एक्स 0 हो जाएगा 80। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 80 हो गया। अब दोनों का गुणनफल करा, दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या करना है? गुणनफल दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो दोनों को गुना कर देंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे 5 × 5 = 15, 15 x × x का स्क्वायर होगा। यहाँ क्या करेंगे? x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 15 है, तो 15 x का स्क्वायर है, तो x का 80 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 80 × 80 दो बार लिख देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, दो बार लिख देंगे 88 = 64, और 64 × 15 करेंगे, क्या करेंगे? 64 × 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 × 96 = 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 × 64 × 15 करेंगे 96 कितना हो जाएगा? 1 2 3 0 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 अनुपात के अनुपात में है तो यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी भुजा निकालना, इसको लिखते हैं 1/2 1/3 में है और 1/4 में। ठीक है, उसका परिमाप दिया है 52 सेंटीमीटर। तो पहले बॉटम जब दे रहे तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम का होगा 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब 2 से 12 में भाग देंगे, क्या करेंगे? 2 से क्या करेंगे? 12 में भाग देंगे। तो इसको काटेंगे, मन क्या करेंगे?
12 में 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 छक 12, 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 एकम 6 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब 3 से 12 में भाग देंगे, 3 चौका 12, 4 से 1 में गुना करेंगे, 4 एकम 4, और फिर 4 से भाग देंगे 12 में, सब एलसीएम में भाग देना है, 4 3 12, 3 बार में 4 3 12, 3 से 1 में गुना करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है। एक अपन मन से लगा देंगे, क्या करेंगे, एक से लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करें, टोटल कितना दिया है, परिमाप मत है तो क्या जोड़ना, सबके क्या कहता है जोड़ना, तो 12 परिमाप कितना दिया है 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 6 4 10 10 3 13, 13x बराबर का लिखेंगे, ये 52 लिख देंगे, ठीक है, 52। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 13 चौका 52, x का वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ। अब कहता है कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा निकालना, तो सबसे छोटी भुजा इसमें क्या है 3 है, सबसे छोटी भुजा कहाँ 3 है, तो इसको लिखेंगे 3x, और 3 × x जब पर क्या, x जब वैल्यू क्या करेंगे 4 पुट कर देंगे, तो 4 3 12, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अगर बड़ी भुजा करता तो बड़ा में गुना कर दे, इसमें कहता सेकेंड वाला में, तो इसमें करते, ठीक है, सबसे छोटी पुसा छोटी छोटी निकल जाएगा, अगर बड़ी करता तो बड़ी यहाँ कर दें, 6 6 × का करते हैं 4, तो 6 4 24, ये बड़ी भुजा निकल जाता, क्या था ये बड़ी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कहा, तो सबसे छोटी भुजा निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि ए बी और सी का वेतन का अनुपात कितना है, 2:3:5 है, यदि वेतन क्रमशः 15%, 10% और 20% वृद्धि होती है तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। वेतन का अनुपात दे दिया है 15%, 10% वृद्धि होने के बाद वेतन का नया अनुपात क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। वेतन कितना दिया है, मतलब ए है और बी और सी क्या है, कितना अनुपात में दिया है 2 3 और 5, अपन मन से क्या करेंगे 100 से सम में गुना कर देंगे, कहा कि परसेंट निकालने में आसान होगा, तो 100 से मल्टीपल तो 200 हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीपल करेंगे तो 300 हो जाएगा अनुपात में, इसमें 100 से मल्टीपल करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है, 100 से का के सब में मल्टीपल कर दिए, और कहता है कि 15% वृद्धि कर देंगे, तो क्या करेंगे 15% वृद्धि हो रहा है, तो 15% इसमें वृद्धि हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 10% वृद्धि, इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 20%, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा 200 का 15% निकाल देंगे, 20 करें 15 दुनी 30, तो क्या करेंगे 15 दुनी 30 हुआ नहीं, तो 30 क्या करेंगे जोड़ देंगे, 30 क्या करेंगे 30 में ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 200 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 230 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें 300 का 10% निकालेंगे, अब क्या करेंगे 300 का अगर 10% निकालते हैं कितना हो जाएगा 20 कट गया 10 दिया 30, तो 30 अभी ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 30 ऐड कर देंगे, 300 में 30 ऐड करेंगे तो 330 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 500 का 20% कितना होगा 100 हो जाएगा, कितना 500 का अगर 20% निकाल देते हैं 10% 50, 500 का 20%, 20 कट गया 5 × 2 = 10, 100 हो गया, तो क्या करेंगे इसमें 100 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे 100 को जोड़ देंगे, ठीक है, 500 और 100 कितना है 600 हो गया, ठीक है, 500 का 20% 10% 50 20% 100, तो 500, तो क्या करेंगे इस समय इसमें 30 जोड़े इसमें 30 जोड़े और इसमें 100 जोड़े, इसमें सम कॉमन हो रहा है, इसमें 23 इसमें 330 00 सम कॉमन हो रहा है, तो कितना बचेगा 23:33:60, ये क्या हुआ आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण का अनुपात क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं।
अनुपात कितना दिया, 1:2:3 दिया, तो 1:2:3 दिया है, इसमें एक्स लगा देंगे, क्या करेंगे एक्स लगा देंगे, ठीक है, 1:2:3 दिया, तो इसमें क्या करेंगे, अब तीनों कोनों का अनुपात कितना होता है, 3:2:5, सबको जोड़ेंगे, 3:2:5, 5 × 1 6x बराबर 3, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, इसको काटेंगे एस का मान लेके 6 × 3 = 18, 30 हो गया 1 0, एस का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 30 हुआ, तो कहता है सबसे छोटा कोण का मान निकालना है, सबसे छोटा कोण कितना है एक्स है, तो एस का वैल्यू 30 हो गया, सबसे बड़ा पूछता था, सबसे अगर बड़ा पूछता तो इसमें क्या करते हैं, 30 से क्या करते हैं गुना करते हैं, 3 × 3 = 9, 90 हो जाता, सबसे छोटा पूछा तो सबसे छोटा कोण मान, सबसे छोटा कोण का वैल्यू कितना हो गया, सबसे छोटा एक है तो एक वैल्यू कितना हो गया, 1 × 30 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, बड़ा पूछता तो ये होता और छोटा में ये हमारा आंसर हो गया।